मैंने यहाँ पे टैली ओपन कर लेती हूँ। आप अल्टर F1 से इस कंपनी से बाहर जाएंगे, F1 प्रेस करके यहाँ पे आप कंपनी सिलेक्ट कर लेंगे। लास्ट क्लास में हमने आपको संपत्ति खरीदने की एंट्री बताई थी, बताइए आइए तो फिर से बताना बोली। संपत्ति खरीदना बताया था, संपत्ति खरीदना उस पर डेप लाना उसको बेचना आ रहा था कि फिर से बता। हाँ या ना तो बोली, अगर आ गया तो हाँ तो हम आगे बताएं, नहीं आया ना तो हम फिर से बताएं। आप लोग कुछ नहीं बोल रहे, एक दूसरे का मत सोचा कीजिए, अपना सोचा कीजिए आप तो आया ही नहीं। आप दोनों तो आइए, आपको बनाए भैया आप आए नहीं। ठीक है, देखिए आप स्थल में बैठ चल रहे हैं, स्थल में अपन कोई भी संपत्ति खरीदते हैं। अब संपत्ति क्या होती है, संपत्ति वो होती जो अपनी, जैसे कि संपत्ति अपनी दो टाइप की होती है, एक चालू संपत्ति होती है, एक स्थायी संपत्ति होती है। स्थायी संपत्ति वो संपत्ति रहती है जिसका यूज अपन अपने बिजनेस के पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं और लंबे टाइम तक कर रहे हैं। जैसे कि आप स्कूल में वर्क कर रहे हैं, स्कूल में फर्नीचर वगैरह अपन परचेज करते हैं, फर्नीचर का यूज इसलिए करते हैं स्कूल के पर्सनल यूज के लिए, स्टूडेंट वगैरह के लिए यूज करते हैं और उसका यूज अपन लंबे टाइम तक करते हैं। ऐसे जैसे आप कोई प्रिंटर वगैरह परचेज करते हैं या कंप्यूटर वगैरह स्कूल में परचेज करते हैं, तो ये क्या होती है अपनी संपत्ति। आप पहले यहाँ पे ALC से उस संपत्ति के नाम से ले जाना है। जैसे कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो यहाँ पे आप कंप्यूटर अकाउंट का लेजर बना लेंगे, अंडर में आप इसको यूज में डाल देंगे, फिर रसेस में एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। ऐसा ही अगर आप प्रिंटर खरीद रहे हैं तो प्रिंटर का, फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फिर रसेट संपत्ति। फिर आप STF से बेच जाएंगे, STFT का यूज आप जब तक करेंगे जब तक आप गेटवे ऑफ टैली पे नहीं आ जाते। अब अपन कंप्यूटर खरीद रहे हैं, अगर आप ये कंप्यूटर नगद खरीदते हैं तो क्या होता है, कंप्यूटर आता है अपने पास से केस जा रहा है, बिजनेस से केस जा रहा है मतलब पेमेंट वाउचर, तब आप वाउचर एंट्री इसमें कर देंगे पेमेंट वाउचर, क्योंकि फर्नीचर आ रहा है केस जा रहा है। जो चीज बिजनेस में आती है उसको बाय करते हैं, जो बिजनेस से जाती है उस पर टू करते हैं। फर्नीचर आ रहा है तो बाय में क्या आ जाएगा, फर्नीचर। अमाउंट डाल देंगे कितने से आप खरीद रहे हैं, हमने मान लिए यहाँ पे 35,000, अब टू में क्या आ जाएगा, केस आ जाएगा। एंटर कर देंगे, अपने पास फर्नीचर आया केस आया, एंट्री क्या हो जाएगी, सॉरी कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं वाउचर एंट्री करना, कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो बाय में आप लिखना कंप्यूटर, अमाउंट डाल दिया अपन ने यहाँ 20,000 और टू में आ जाएगा केस, कंप्यूटर आ रहा है केस जा रहा है, एंट्री क्या हो जाएगी बाय कंप्यूटर टू केस, एंटर करके अपन इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। मतलब अगर आप कोई नगद संपत्ति खरीदते हैं तो एंट्री आप करते हैं पेमेंट वाउचर में, बाय में संपत्ति का नाम आ जाएगा और टू में केस आ जाएगा। अगर अपन यही कंप्यूटर उधार खरीदते हैं तब आप एंट्री किस में करते हैं, F7 से जनरल वाउचर, क्योंकि जनरल वाउचर में उस कंडीशन में एंट्री होती है जब केस का कोई लेन देन नहीं होता, मतलब न केस आ रहा है न केस जा रहा है, केस का कोई लेन देन नहीं होता, एंट्री किस में हो जाती है जनरल वाउचर। अब आप कंप्यूटर उधार खरीदें चाहे नगद, दोनों ही कंडीशन में अपने बिजनेस में कंप्यूटर आ रहा है तो उसका नाम किस में आ जाएगा, बाय में। नगद खरीदते हैं तब भी कंप्यूटर बाय में आएगा, उधार खरीदते हैं तब भी कंप्यूटर बाय में आएगा। अब अपन यहाँ डाल देते हैं 20,000, मतलब टोटल अपने पास कितने का हो गया कंप्यूटर, 40,000 बता रहा है आपको करंट बैलेंस। अब अपन क्या कर रहे हैं, उधार खरीद रहे हैं तो टू में अपन क्या लिखते हैं, उस पर्सन का नाम जिससे आप उधार खरीद रहे हैं, अल्टा प्लस सी से आप उस पर्सन के नाम को यहाँ पे ले जा बना लेंगे। जैसे अपन ने यहाँ पे लिख दिया, जैसे आप मोहित से खरीद रहे हैं तो आपने यहाँ लिख दिया मोहित से अकाउंट, और आप जब भी किसी पर्सन के नाम का लेजा बनाते हैं उसके नाम के आगे आप अपोस्ट्रोफी एस ला देते हैं, अपोस्ट्रोफी एस क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है जैसे कि आपने लिखा मोहित अकाउंट, मतलब मोहित पर्सन का नाम, अकाउंट मतलब खाता, क्या हो जाएगा मोहित खाता, जबकि मोहित खाता नहीं होता, क्या होता है मोहित का खाता, किसी पर्सन का खाता होता तो क्या आना चाहिए बीच में सा, अगर आप मोहित अकाउंट लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा मोहित खाता, जबकि मोहित खाता नहीं होता, क्या होता है मोहित का खाता, तब आप यहाँ लिखेंगे अपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है सा,
फिर क्या हो जाएगा, मोहित का खाता, एंटर करेंगे फिर एंटर, अंडर में आप इसको डाल देंगे सनरी क्रेडिट, क्योंकि अपन इनसे खरीद रहे हैं, इन फ्यूचर अपन इन्हें पेमेंट करेंगे। ये अपने कौन है, लेनदार, अपन से लेंगे, अंडर में किसमें आ जाएंगे, सनरी क्रेडिट, एंटर करना। यहाँ पे आप डाल देना डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, कितने टाइम बाद आप पेमेंट कर देंगे, हमने बोल दिया 25 दिन बाद, तो यहाँ क्या डाल देंगे 25, एंटर करके अपन इसको यहाँ पे खरीद रहे हैं। तो क्रेडिट क्रेडिटर्स मतलब होता है लेनदार, अगर आप किसी से माल खरीद रहे हैं तो इन फ्यूचर अपन उन्हें पेमेंट करेंगे, इसीलिए बेचते हैं तो लेनदार होता है, वो अपन को देगा। एंटर करके अपन इसको सेव कर देते हैं, एंट्री क्या हो जाएगी, बाय में कंप्यूटर और टू में उस पर्सन का नाम जिससे अपन उधार खरीद रहे हैं। एंटर करके यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे न्यू रेफरेंस और एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे, मतलब एंट्री क्या हो जाएगी, नगद है तो पेमेंट वाउचर में, उधार है तो जनरल वाउचर, दोनों ही कंडीशन में बिजनेस में कंप्यूटर आ रहा है, कंप्यूटर इसमें आ जाएगा बाय में, और अगर नगद है तो बाय में कंप्यूटर, टू में कैश, उधार है तो बाय में कंप्यूटर, टू में पर्सन का नाम आ जाएगा आप लोग। अब अपन एसटीएफ से बैंक चलते हैं, एसटीएफ की का यूज आप जब तक करते हैं जब तक आप गेटवे ऑफ टैली पे नहीं आ जाते। अब आप यहाँ बैलेंस शीट के लिए बी प्रेस करना, आप जैसे ही यहाँ पे बी प्रेस करेंगे आपको यहाँ पे बैलेंस शीट देखने को मिल रही है, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे फिक्स्ड एसेट आ रहा है ना, फिक्स्ड एसेट मतलब स्थायी संपत्ति, एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कंप्यूटर, टोटल कितने का है 40,000। अब इस कंप्यूटर का यूज आप अपने स्कूल की पर्सनल यूज के लिए करेंगे, अब इसका यूज करने के बाद आप इसको बाद में सेल कर देंगे, तो जब भी आप इसको सेल करेंगे, अभी आपने जो कंप्यूटर 40,000 का खरीदा है, क्या थोड़े टाइम बाद सामने वाला पर्सन आपसे तो 40,000 में लेगा, नहीं लेगा, उसका मूल्य कम हो जाए, तो वो क्या होता है, ह्रास, मूल्य ह्रास, इंग्लिश में बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, किसी भी स्थायी संपत्ति का निरंतर प्रयोग करने उसके लागत मूल्य में किसी भी कारणवश आई हुई कमी को मूल्य ह्रास बोलते हैं, मतलब आपने जो संपत्ति खरीदी है तो स्थायी संपत्ति तो आप यूज करेंगे उसका निरंतर प्रयोग करने से उसके लागत मूल्य में किसी भी कारणवश जो भी कमी आई है उसको क्या बोलते हैं, मूल्य ह्रास। अब आप लोगों ने सुना होगा एक मूल्य होता है एक लागत मूल्य होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, मूल्य मतलब इंग्लिश में बोलते हैं प्राइस, लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, अब लागत मूल्य और मूल्य में क्या डिफरेंस है, पता है किसी को नहीं पता, आपको इसलिए तो पूछ रहे हैं। और खर्चा मतलब कैसे, आप जा तो सही रही लेकिन आप सही एक्सप्लेन नहीं कर रहे। देखिए लागत मूल्य वो मूल्य रहता है, एक होता है मूल्य एक होता है लागत मूल्य, जैसे आप कंप्यूटर खरीदने गए तो आप जब कंप्यूटर खरीदेंगे तो उन्होंने आपसे बोला ये कंप्यूटर है 38,000, ठीक है, मान लीजिए कितने का 38,000, वो क्या हो गया उसका मूल्य, जो शॉपकीपर ने आपको बताया वो क्या है उसका मूल्य मतलब प्राइस। अब जब आप उस कंप्यूटर को घर तक लाएंगे तो घर तक लाने के लिए आप उसका ट्रेवलिंग का चार्ज देंगे, मतलब जब वो घर तक आएगा अपन उसमें पेमेंट करते हैं, घर तक लाने आप उन्हें चार्ज देंगे तो वो उसमें इंक्लूड हो जाए, फिर जब कंप्यूटर आपके घर पे आएगा तो अपन उसको वहाँ सेट करवाते हैं, मॉनिटर कीबोर्ड सब कुछ अटैच करवा के आप सेट करवाएंगे, पूरा तैयार करने का चार्ज वो आपसे अलग नहीं है, तो कंप्यूटर खरीदने से लेके उसको पूरा सेट करने तक जितना भी उसमें चार्ज आता है वो क्या हो जाता है उसका लागत मूल्य, जितनी भी उसमें लागत अपन ने लगा दी वो क्या हो गई उसकी लागत मूल्य, मूल्य वो था जितने में शॉपकीपर अपन को दे रहा था, लागत मूल्य वो हो जाएगा उसको खरीदने के बाद उसमें अपन ने जितनी भी लागत लगाने की उसको पूरा सेट करवा दिया वो लागत मूल्य हो जाएगा। अब आप जब इस सॉरी जो आपने अभी कंप्यूटर यहाँ खरीदा अपन इसको बेच रहे हैं तो क्या सामने वाला पर्सन आपसे 40,000 में लेगा, नहीं लेगा, उसके मूल्य मतलब उसके लागत मूल्य में कमी आ जाएगी, वो क्या हो जाएगा मूल्य ह्रास। आप इसमें मूल्य ह्रास की एंट्री करने के बाद ही